और जो भी आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश में सुन रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना, आप भी 8 दिन योग के साथ कथा सुने, योगी बनकर आप भी मन से यह सोच ले कि हम भी बद्री विशाल में बैठे हुए हैं। और आप जब ये मन से भी सोच लेंगे कि हम बद्री विशाल में बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको 999 का फल मिले ना मिले, लेकिन बद्री विशाल आने का फल आपको अवश्य मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। कहेंगे 999 क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई 50 मिलेगा, थोड़ा 999 का आधा करना कितना होगा, कितना होगा भाई, है नियर अबाउट 500, नियर अबाउट। तो एक इन 7 दिन में आपको भी 50% लाभ मिलेगा और बद्री विशाल में आने का जो लाभ है वो भी आपको मिलेगा। और जो यहां पर रह रहे हैं वो साक्षात विष्णु भगवान के ही रूप हैं 8 दिन तक, और जो भी यहां रह रहे हैं उनका सम्मान आपको करना है, कोई भी कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है। और आप सबको हे सुभगे, ये देवताओं का, ये देवताओं को दुर्लभ तीर्थ है। यहां पर जो गंगा बहती है अलखनंदा, कोशिश करें आप इसका आचमन जरूर करें। और ये जो कुंड है इसमें स्नान करें, इसका बहुत महत्व है। बाकी की बातें मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे कथा भी थोड़ा सा प्रसंग तो बढ़ाना ही है। और इसी कथा क्रम में पहला श्लोक हम उच्चारण करें। और जो भी ये अब मैंने बद्री का आश्रम की इतनी बातें आपको क्यों सुनाई जानते हो, कि जो यहां बैठे हैं और जो आस्था चैनल पे सुन रहे हैं, इन सबको ये पता चल सके कि आप कितने बड़े पुण्य के भागीदार बनने जा रहे हो आने वाले 7 दिनों में। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर लाभ पहले पता चल जाए ना तो इंसान और भी ढंग से कार्य करता है। और आप जहां पर रहकर जितना भी अच्छा काम करेंगे, जितना भी नाम लेंगे 999, कथा सुनेंगे उसका फल 999, भागवत सुनने का लाभ है। कुछ भी करेंगे आप, कुछ भी अच्छा काम, उसका लाभ आपको 999 वही कर्म करने का फल मिलेगा। तो आइए सर ढक लें और सर ढक कर पहला श्लोक उच्चारण करेंगे सभी। वैसे यहां तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा सर ढकना है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्चित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप भी प्रणाम कर लें। अब एक बार प्रणाम करने का मतलब है 999 बार प्रणाम करने का फल मिल गया, कर लो जाता क्या है। प्रणाम करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। बताऊं कि कल बता दूं, भागवत कम सुनने को मिलेगा महात्मा, और फिर कहोगे महाराज जी कथा कम सुनाते हैं, और खुद ही कहते थे ये सुना दो वो सुना दो और दोष मेरे ऊपर मढ़ देते हैं, सारे अच्छे काम तुम करो और जो कमियां हैं कथा में वो मैं करूं। प्रणाम का भी बहुत महत्व है, आज नहीं कल बताऊंगा और कल आपको याद दिलाना है। अभी इस श्लोक का अर्थ समझ लें। सच्चिदानंद रूपाय, उसका स्वरूप कैसा है, बड़ा ही सुंदर है। उसका स्वरूप सत्य है, सतघन चितघन आनंदघन। जीव का जो स्वरूप है वो सत्य नहीं है, भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है। सत्य किसको कहते हैं, बोले जो कभी मिटता नहीं है। ध्यान से सुनना, रूप मींस योर ब्यूटी,
सुंदरता, उसका स्वरूप कैसा है? अत्यंत सुंदर, अत्यंत बहुत ही सुंदर है और सत्य है, हमेशा रहने वाला है। हमारा रूप हमेशा नहीं रहता है, रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। सुबह जब उठते हैं तो शकल देखो कैसी लगती है, स्नान करके जब तैयार होते हैं तो शकल कुछ और तरीके की लगती है, तैयार श्यार होके जब इत्थे उत्थे जानते नहीं तब तो शकल कुछ और हो दी है महाराज, और जब वो मेकअप सेकअप उतार के सोते तब जो डरावनी थोड़ी होती है शकल, तब थोड़ा अलग चेंज अलग हो जाता है। और सोते समय किसी इंसान को देख लो तो कुछ और होता है, बचपन में कुछ और ब्यूटी होती है, सुंदरता, जवानी में कुछ और होती है, बुढ़ापे में तो कुछ पूछो ही ना। पूछें कि नहीं पूछें? अच्छा बताओ बुढ़ापे में कैसी होती है सुंदरता, है बता तो दो, झूठ मत बोलना। बद्र का आश्रम में बैठे हो, झूठ बोलोगे तो 999 झूठ का जो पाप है वो आपको लगेगा। हाँ इसलिए सत्य बोलो, बताओ हैं? बंदर जैसी, ब्यूटीफुल। अरे बाप रे, कई तो बंदर भी सुंदर लगते हैं, कई बार तो बंदर भी सुंदर लगते हैं लेकिन बद्री नारायण 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 नहीं लगते। तो बदली कि नहीं बदली? इंसान की सुंदरता बदलती है, जवानी में जो सुंदर दिखता है बुढ़ापे में वो असुंदर दिखता है। और कई लोग जो सुंदर होते हैं जो यहां बैठे, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, माफ करना, मैं भी ठीक ही हूं, लेकिन मैं किसी और से कह रहा हूं, जो यहां नहीं है मैं उनकी भी चर्चा कर रहा हूं साथ में। जो थोड़े भी सुंदर होते हैं उनको अभिमान होता है, वो कई बार जाकर दर्पण देखते हैं, कई बार, मैं भी कथा में आने से पहले एक दो बार देखता हूं। मैंने कहा झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो 999 झूठ मुझे पाप लगे, मैं क्यों बैल लूंगा भाई? देखो मेरे, मैं यहां आया हूं आपका कल्याण होगा कथा सुनने से, तो मेरा भी तो कल्याण होना चाहिए ना कथा बोलने से, सीधा सा बात है। तुम अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं भी तो सोच रहा हूं ना कि मेरा भी तो कल्याण होना चाहिए ना भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं? एक दो बार कोई ज्यादा तो नहीं है। और फिर टीवी पे जाना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राधे राधे, बोलना पड़े। टीवी पे जब आपको जाना होता है, कई खुनसट लोग भी आपको देखते हैं, कई लोग देखते हैं, कई अच्छे लोग आपको देखते हैं, कई लोग ऐसे ही, मैं देखो ये महाराज ने क्या हो गया, इसने बड़े ऐसे लोगों को भी थोड़ा जलाने के लिए थोड़ा परफेक्ट दिखना चाहिए। खैर छोड़ो ये बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए, रहना ठाकुर की चर्चा कर। तो जो सुंदर लोग होते हैं वो कई बार दर्पण के सामने जाकर तैयार होते हैं, दिखते हैं, लगते हैं, कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रही हूं। लेकिन वही दर्पण बुढ़ापे में हमारी सच्चाई का वर्णन करता है। अगर वही दर्पण हो जिसमें मैंने जवानी में अपनी शकल देखी थी, तो उस दर्पण को भी हम पे शर्म आती है। वो दर्पण भी कहता है कहां से कहां पहुंच गए तुम, लेकिन वो न कर सके जिसके लिए तुम्हें परमात्मा ने भेजा था। तुम्हारे रास्ते बदल गए हैं, तुम्हारा लक्ष्य बदल गया है, तुम्हारी मनोदशा गिर गई है, तुम्हारा विचार गिर गया है। यू लॉस्ट योर थॉट, यू लॉस्ट योर लाइफ, सब कुछ जा चुका है। बुढ़ापे में व्यक्ति सुंदर नहीं लगता, एक भजन किसी ने लिखा है, उसकी वर्डिंग मेरे को पूरी आती नहीं है, बस हल्का सा कहूं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना देख तेरे जीवन में। हमें देखना चाहिए कि मैं पापी ज्यादा हूं या पुण्यात्मा,
लेकिन ये बात डिस्कस करने की नहीं है, ये तो स्वयं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आत्मचिंतन हम ही को करना है, आत्मचिंतन आत्ममंथन हम ही को करना है, कोई पड़ोसी आकर नहीं करेंगे।